नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बिष्टुपुर बाजार में भीषण आग लग गई। वैसे आग की लपट इतनी तेज थी कि देखते ही देखते बाजार के 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। उधर आग लगते ही पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। वही घटना की सूचना मिलते ही टाटा स्टील की 10 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में घंटों कड़ी मशक्कत करती रही। बताया जा रहा है कि किसी फर्नीचर की दुकान से सबसे पहले आग की लपटे उठते देखा गया। जब तक किसी को कुछ समझ में आता तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुका था। वैसे लॉकडाउन के कारण सभी व्यापारी बाजार में नहीं थे, जिससे अभी नुकसान का आंकलन नहीं किया जा सका। वैसे अग्निकांड साल का सबसे भीषण अग्निकांड माना जा रहा है। वही जानकारी मिलते ही लॉकडाउन के कारण घरों में फंसे व्यवसायी बाजार की ओर भागते नजर आए। जो मालूम पड़ा पीछे में जो ये जान जल रहा है, वहाँ भोला करके लड़का है, उसका लकड़ी का फर्नीचर का दुकान है, वहीं से आगे स्टार्ट हुआ। अब हो सकता है, देखिए वहाँ तो कोई अभी तो लॉकडाउन है, बोलो कोई है नहीं, गर्मी इतना पड़ रहा है, 39 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर है, उससे लगा होगा। तो उसके चलते बगल में कपड़ा दुकान है, उसमें लगा, उसके बगल में वो कपड़ा दुकान है, जो तीनों कपड़ा दुकान में लग गया, जल के खा गया। यही आगे उस सेट में नहीं पकड़ा है, अभी तक यही सेट में है, लेकिन पूरा भयंकर तरीका से आगे लगा है, लेकिन दमकल अपना प्रयास कर रहा है। नुकसान का तो अब जैसे दुकानदारों से बात हो जाता है, बता देते हैं कैसा कितना नुकसान, जो भी अब लॉकडाउन के पीरियड तो कोई भी माल बिके नहीं, जितना माल हमको लगता है कम से कम 8-10 लाख का तो नुकसान हुआ ही होगा जरूर, जिस हिसाब से यहाँ दुकानें हैं उस हिसाब से कपड़े की। संपूर्ण देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने से प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। इसी के तहत पोटका व कोवाली पुलिस जगह जगह चौक चौराहों में हर आने जाने वाले को रोककर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना एक वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए 30 मई 2020 तक संपूर्ण देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। वही लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस जांच अभियान में सैकड़ों वाहनों को जब्त किया गया है, साथ ही साथ अकारण घूम रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण से त्रस्त है। जहां देश में लॉकडाउन जारी है, वहीं चोर इस लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ताजा मामला झारखंड के जमशेदपुर का है, जहां बागबेड़ा थाना क्षेत्र के एक पंचायत भवन में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए पंचायत भवन में रखे न्यू पैक रेफ्रिजरेटर, चापाकल का पाइप और करीब 25 कुर्सियां ले उड़े। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व भी इस भवन में चोरी की घटना घट चुकी है। वैसे वर्तमान संकट के दौर में इस भवन से दीदी किचन संचालित हो रही है। वही घटना की सूचना मिलते ही बागबेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई। आज हम लोग के जब हम लोग दीदी किचन का ये यहाँ मुख्यमंत्री तो देखे कि ग्रिल खुला हुआ है, तारा टूटा हुआ है इसका, और जहाँ पर हम लोग का लीगल एड क्लिनिक चलता है, मतलब जहाँ वकील साहब बैठते हैं, वहाँ पर एक हम लोग का पंचायत का रेफ्रिजरेटर रखा हुआ था कोल्ड करने के लिए, वाटर ड्रिंक था, फ्रिज था, उसको चोरी कर लिया गया है। वो यूज भी नहीं हुआ था, सील भी नहीं टूटा था, उसको चोरी कर लिया गया है। और यहाँ से पाइप पंचायत भवन में जहाँ चापाकल जो हम लोग खोलते थे पाइप से, वो सब रखा हुआ तो वो भी गायब है, और हम लोग का 20-25 चेयर है हॉल से, वो भी गायब है। इससे पहले भी ये घटना हो चुका था, और तो हम लोग थाना में इसका शिकायत किए थे, और फिर लेकिन वो हम लोग को मिल गया था, चोरी वाला सामान सब मिल गया था, कहीं फेंका हुआ था 2013-14 में। और उसके बाद फिर अगर अभी हम लोग बोले हैं, हम प्रशासन को खबर किए हैं, प्रशासन आइए देख के गए हैं, और उन्होंने कहा है कि इसका जाँच किया जाएगा और इसकी शिकायत हम दोनों मुखिया करेंगे। एक तरफ कोरोना महामारी के दौर में तमाम देशवासी एक दूसरे को मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ गंदी मानसिकता के लोग गरीबों का मजाक उड़ाकर वीडियो वायरल कर सरकार और प्रशासन को बदनाम करने से भी नहीं चूक रहे। आपको बता दें पूरा मामला झारखंड के जमशेदपुर का है, जहां पिछले दिन सोशल मीडिया पर भाजपा नेता कृष्णा पात्रो द्वारा एक आदिवासी महिला का खाना बनाते हुए वीडियो वायरल किया गया, जिसमें यह बताया गया कि लॉकडाउन के कारण महिला और उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रही है। वह घास की सब्जी बनाकर अपना और अपने बच्चों का पालन करने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि महिला बागबेड़ा सोमई झोपड़ी रहने वाली अमिता मुंडारी है। वही पूरा मामला उस वक्त पैनिक हो गया जब वायरल वीडियो को सही मानकर राष्ट्रीय चैनल ने भी अपने यहाँ प्रमुखता से इस खबर को चला दिया। किसी ने इस मामले को प्रमुखता से छापा तो किसी ने पूरे मामले को झूठा बताया। आपको बता दें अनीता मुंडारी एक आदिवासी महिला है, जो घास नहीं बल्कि भोर साग बना रही थी, जो खेतों की झाड़ियों में घास के साथ उगता है, जिसे आदिवासी समाज के लोग खाते हैं। वैसे इस पूरे प्रकरण में झारखंड सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जमशेदपुर उपायुक्त को इस मामले पर संज्ञान लेने का फरमान जारी कर दिया है, जहां प्रशासन की ओर से महिला को अन्य जरूरी सामान भी उपलब्ध करा दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मामले को इस वैश्विक संकट के दौर में पैनिक क्यों किया गया, वो भी बड़े और राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से। वही पूरे मामले पर जिला प्रशासन के पक्ष का भी इंतजार है, लेकिन संकट की इस घड़ी में
क्या ऐसा कृत्य शोभा देता है? साग था और जैसे कि साग तोड़ उड़ के खाते हैं ना बारिश से, वही वाला था साग था। सरकार को बदनाम करने का वही चीज का है। उसका नीचे में घास का ये में साग मिला, ये साग तोड़े है, ये साग है, ये साग है, तो ये साग को हम निकाल रहे हैं। ये साग है कि घास है? साग है। कौन साग बोलता है इसको? हम लोग बोर साग बोलते हैं। पात खा रहे हैं हाँ। तो मैं तो अभी चावल बांट कर गई है अपने स्कूल के बच्चे लोग को, हम लोग को बांटना था, तो मैं 25 तारीख तक चावल बांट कर गई थी। तो आके देखा तो उन लोगों ने हमसे नॉर्मली ढंग से कहा, जो नहीं हम लोग को घास के अंदर जो साग होता है ना उसको तोड़ कर दीदी खा रहे थे, जो हम लोग घास पात नहीं खा रहे थे। वो वीडियो कौन बनाया वो हम लोग नहीं जानते हैं। देखिए जो हमारा पंचायत है पूर्वी घागेड़ी पंचायत है और मैं एक मुखिया हूँ। मुखिया होने के नाते मेरा जिम्मेदारी बनता है कि अभी जो लॉकडाउन और महामारी, जो कोरोना महामारी जो सारे विश्व भर में अभी फैली हुई है, हमारे पंचायत को 10,000 का फंड उपलब्ध कराया गया था। 10,000 में मैंने और वीडियो ब्लॉक के तरफ से हमको 3 बोरा चावल दिया गया था, 3 क्विंटल। तो मैंने अभी तक 141 आदमी को चावल का मैं वितरण कर चुकी हूँ। और अभी कल का हमारा प्रोग्राम था चावल वितरण करना, जो किसी कारणवश नहीं हो पाया, क्योंकि यहीं से कई कंप्लेन गया था कि पूर्वी घागेड़ी पंचायत में कोई घास खा के रह रहा है, जबकि उस लाभुक को मैंने परसों ही चावल उपलब्ध कराया है। और घास खाने से पहले एक अरुण क्या घास खा रही थी? सही है, हमारे जो ये जो वाला साग उगता है ना वो खरपतवार के साथ उगता है, जो कि वो घास के साथे में रहता है। जो वो चुन रही थी वो घासे चुन रही थी, लेकिन जिसने उसका वीडियो बनाया वो गलत तरीका से उसने उसका वीडियो को वायरल कर दिया कि ये घास खा रही है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। क्या घास खा रही है? सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो साग ही तोड़ रही थी और साग बना के उस साग को लॉकडाउन और महामारी के पहले बाद ने उसे पहले भी ये लोग खाता है। उनके परिवार को हमें 10 किलो का चावल उपलब्ध कराया था। वहाँ से जिला से हमारे जांच टीम आए हुए थे, तो उन लोगों ने उनका जो काम है वो जांच कर रहे हैं कि सही में ये घास खा रही है कि मैंने उनका राशन उशन उपलब्ध कराया गया कि नहीं। ये पूरी तरह मेरे खिलाफ एक साजिश हो रहा है और ये जो है मेरे खिलाफ एकदम मुझे फंसाने का साजिश किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने को लेकर आज सरायकेला जिला समाहरणालय में जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई, जहां इस बैठक में सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, खरसुआ विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों का आकलन किया गया, साथ ही वर्तमान में क्या व्यवस्था की गई इसकी समीक्षा की गई। इस दौरान सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने बताया कि जिले में अभी क्वारंटाइन सेंटर कम है जिसे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी जिले के करीब 11,000 लोग बाहर फंसे हैं, अगर वे वापस आते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन करने तथा भोजन उपलब्ध कराने हेतु भी रणनीति बनाई गई। वहीं ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने ईचागढ़ विधानसभा में स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने की मांग की है। आज सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट का आज बैठक थी कोरोना COVID-19 को लेकर के, कि यहाँ जिले में किस तरह की तैयारियाँ हैं और क्या चल रहा है, इसी विषय में आज हम लोग बैठे थे। और आज की बैठक में बहुत सारी अहम जानकारियाँ मिली कि जिले में किस तरह से क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, और हम लोगों ने तो सुझाव भी दिया है कि जो क्वारंटाइन सेंटर है वो बहुत कम है, उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस ज़िले से माइग्रेंट जो मजदूर हैं उनकी संख्या ही करीब ऑलमोस्ट 10-11 हज़ार के करीब है, जो बाहर है, ज़िले से बाहर है, और वो जब आ जाए तो वो स्थिति और भयावह हो जाएगी, क्योंकि उनको भी क्वारंटाइन में रखना होगा। इसलिए उन सभी चीज़ों की तैयारी का जायज़ा आज हम लोगों ने लिया कि लोगों को सही राशन मिल पा रहा है या नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हम मार्च अप्रैल मई का ये राशन उपलब्ध कराना है। अभी जैसे ईचागढ़ विधानसभा में 4 प्रखंड है, वहाँ पर कुछ एम्बुलेंस का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जो वहाँ के हॉस्पिटल में आते हैं तो ट्रेन से ज़्यादातर आते थे जैसे बड़का खाना में, अभी सारा चीज़ बंद हो गया, एम्बुलेंस का भी थोड़ा दिक्कत है। मधु भाई जो हमारे विधानसभा में बाहर गए हैं उनको हम लोग कैसे करके लाएंगे और उनका चिन्हित करके उन लोगों का खाता में हम लोग 2,000 रुपया जो हमारी सरकार ने दी उनको करेंगे।
सरायकेला जिले के कालूराम सेवा ट्रस्ट द्वारा आज सरायकेला नगर पंचायत के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी सफाई कर्मियों को माला पहनाया गया, साथ ही उन्हें साफ सफाई में सुविधा हेतु साबुन व सर्फ का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष मार्च महीने का मानदेय रिलीज करने की मांग की, जिस पर कार्यपालक पदाधिकारी ने एक हफ्ते के भीतर सभी कर्मियों के मानदेय को निर्गत करने का भरोसा दिलाया। सरायकेला खरसा जिले के राजनगर प्रखंड के बालीडी गांव में मंगलवार को अचानक आग लग गई, जहां फूस के बने 5 घर पूरी तरह से खाक हो गए। वहीं इस आगजनी में घरों के अंदर रखा एक भी सामान नहीं बचा और एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल भिजवाया गया। उधर घटना की सूचना मिलते ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया। साथ ही सांसद गीता कोड़ा ने त्वरित पहल करते हुए उपायुक्त को मामले की जानकारी दी। वही मामूली रूप से घायलों को अस्पताल भिजवाया। सांसद गीता कोड़ा ने पीड़ितों से मिलते हुए उन्हें 5,000 रूपए खाद्यान्न तिरपाल एवं कंबल तत्काल प्रदान किए। आज हम लोगों का सरायकेला में एक मीटिंग था कोरोना को लेकर के, कि जिला में किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या करना है, इसी पर डीसी साहब ने आज मीटिंग बुलाई थी। तो उसी मीटिंग को अटेंड करने के बाद राजनगर में अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए हम लोग जब आ रहे थे, तब सूचना मिली कि यहाँ इतना बड़ा घटना घट गया है, 5 परिवार का घर पूरी तरह से जल गया है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ तुरंत आए, और क्योंकि हमारे यहाँ यहीं के हमारे कार्यकर्ता हैं भरत कुमार जी, उन्होंने ही सूचना दी थी। और हम लोग यहाँ आए तो देखा हमने कि पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरे परिवार का एक मुखिया माधो होनागा जो पूरी तरह से जख्मी है, उनको हम लोगों ने अस्पताल तत्काल भेजा और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हैं आग बुझाने के लिए। वीडियो साहब और हमारी मुखिया मैडम भी सभी लोग आए हैं उनको मदद करने के लिए। और फिलहाल अभी हम लोगों ने लोगों को राहत सामग्री, खाने पीने का व्यवस्था हम लोगों ने करवा दिया है, और उनको रहने के लिए यहीं स्कूल, सामने में स्कूल है, वहीं उनके सभी परिवार को रहने की व्यवस्था की गई है। और बाकी की और हम लोग मदद करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। डीसी साहब को भी हमने सूचना दे दिया है कि यहाँ इस तरह की घटना हुई है। बंगाली समुदाय का पहला बैसाख यानी नए वर्ष का पहला दिन, कोलियांचल का बंगाली समुदाय प्रतिवर्ष नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। बंगाली समुदाय के लोग पहला बैसाख के दिन अच्छा खाना, अच्छा पहना एवं साल के पहले दिन मंदिर जाकर के पूजा अवश्य करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एहतियातन देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से आज पूरी सादगी के साथ अपने अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। इस दौरान पूजा वगैरह करने के बाद लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने परिवारों व परिचितों को नए वर्ष की बधाई देते देखे गए एवं फोन के माध्यम से ही बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को स्नेह दे रहे हैं। नमस्ते, आज बंगाली समुदाय का पहला दिन है वर्ष का, और आज के दिन हम घर पे पूजा करते हैं, तो मंदिर भी जाते हैं, बट कोरोना के वजह से, लॉकडाउन के वजह से हम घर पे ही है, घर पे ही मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल बाहर जाते हैं दोस्तों के घर, बट इस साल सब कुछ ही बंद है। इस साल घर पे ही सब कीजिए, सब घर पे रहने की कोशिश कीजिए, और जैसे पीएम मोदी ने कहा है, घर पे रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए। तो आज इस बंगाली न्यू ईयर में मैं सबको शुभ नव वर्ष कहती हूँ, और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज के दिन हम बड़ों के घर जाते हैं, उनको प्रणाम करना, खाना खाना, मिठाई, ये सब चलता है। बट अब क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद पड़ गया है, तो हम फोन पे ही एक दूसरे को शुभकामना बता रहे, और मंदिर भी जाना हमारा बंद हो गया है। तो सबको यही कामना है कि सब घर पे रहे। और इस मेरा नाम अनुष्का गौन है और मैं यहाँ हीरापुर की रहने वाली हूँ। शुभ नव वर्षे प्रीतिय शुभेच्छा। आज शुभ नव वर्ष, आमरा सबाई अन्य बछरे आमरा मंदिरे जाई, सब पूजो करी एकसाथे, किन्तु एबारटा लकडाउनेर जन्य, करोना भाइरासेर लकडाउनेर जन्य आमरा सबाई घरेई पूजो करछि, एकटु रान्नाबाड़ी करछि, कारोर साथे कोनो देखा साक्षात करा जाबे ना, किन्तु ताओ आमरा खुशी आछि, छोट्ट करे आमरा घरेई पूजो करेछि। আমরা বাইরে গিয়ে কাউকে প্রণাম করতে পারছি না, কিন্তু আমরা ঘর থেকে সবাইকে উইশ করে প্রণাম জানাচ্ছি। আর এই আজকে মোবাইলে কল করে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, নিজেদের ফটো আপলোড করতে পারছি না নতুন জামা কাপড় পরে, কিন্তু তাও পুরনো জামা কাপড়গুলো পরেই ভিডিও কল করছি। এইভাবেই আমরা একে অন্যের উপর কানেক্ট করার চেষ্টা করছি। আমাদের ঘরে রান্না হচ্ছে অন্যবারের মতন অত না, মাংস মাছ কিছুই হচ্ছে না, কিন্তু তাও নিরামিষেই অনেক পদ হচ্ছে,
মিষ্টি ফিষ্টি পাইনি, কিন্তু তাও ঘরে মিষ্টি বানানোর চেষ্টা করছি। জেসি মল্লিক রোড, সম্ভাবী এনক্লেভ, জেসি মল্লিক রোড, সম্ভাবী এনক্লেভ, ৩০৫৩। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह मंगलवार को सीएस कार्यालय पहुंची और सिविल सर्जन कार्यालय से भारी मात्रा में हैंड सैनिटाइजर और मास्क प्राप्त किया, जिसे वो अपने क्षेत्र की गरीब जनता के बीच वितरित करेगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए विधायक पूर्णिमा सिंह ने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन तभी हो सकता है जब लोग स्वयं इस बीमारी की गंभीरता को समझेंगे। सख्ती वो काफी बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों में भी काफी अकबकाहट है। मिलने का जो कारण था वो था कि जो इक्विपमेंट्स आने के उसके लिए हम यहाँ आए थे सोचने के लिए, और बहुत सारा जो है सामान हमें सिविल सर्जन ने दिया भी है, जिसमें मास्क है, सैनिटाइजर है और अभी जो पीपी है जो प्रोवाइड करा देंगे वहाँ पे, जो हमारे नोडल अधिकारी होंगे स्वास्थ्य विभाग के, उन लोग वो लोग जो है किसी भी मुद्दा बाजार हम लोग फिर उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करें। आज से केंद्र सरकार ने 20 तारीख तक, हालांकि लॉकडाउन तो 3 मई तक कर दिया, लेकिन 20 तारीख तक थोड़ा सख्ती बरतने का निर्देश दिया है सभी जगह। एक्चुअली सख्ती तो 8 तारीख से ही है, जब से हमारे केसेस बढ़ने लगे बहुत तेजी से, तो सख्ती तो लॉकडाउन उस दिन से है, लेकिन 8 तारीख से जो नोटिस किया गया है कि बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है कि लोग जो भी एक आध लोग भी इधर उधर घूम रहे थे उनके लिए कि वो भी बाहर ना निकले बिना वजह के, लेकिन अभी भी लोग सड़क पर दिख रहे हैं। प्रयास तो यही रहता है, देखिए इसमें तो लोगों की आम जनता की अपनी समझ भी होनी चाहिए कि उन्हें नहीं निकलना चाहिए। आप किसी को कब तक रख सकते हैं अंदर और आप कितनी ज़बरदस्ती कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जितना प्रचार प्रसार इस बीमारी के बारे में किया गया है, जितना लोगों को बताया गया है, और उसके बावजूद अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो इसमें फिर गलती किसी की नहीं है। लोगों को खुद समझना होगा कि ये कितना डेंजरस है उनके लिए। आज सिविल सर्जन से यही बात हो रही थी और हम लोग इसकी गंभीरता पर बात कर रहे थे कि कैसे ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है रोग, और इसके लिए लोगों को दूरी कितनी ज़रूरी है। आप लोगों को देख मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। अवेयरनेस की कमी है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। बार बार बोलने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को। कुछ लोगों की मजबूरियाँ भी हैं, लेकिन कुछ लोग समझना भी नहीं चाह रहे हैं।